हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू चैप्टर 1 द लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल्स. सॉरी, जस्ट वेट अ सेकेंड. सो द लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल्स, इसका मतलब क्या है? जो एनिमल्स होते हैं उनकी लाइफ साइकिल क्या होती है, वो कैसे बॉर्न करते हैं, कैसे जन्म लेते हैं, कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, कैसे जीते हैं, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो आइए चलिए पढ़ते हैं. Look at the puppies and their mother in the picture. Do you see some similarities? यहाँ पर आपको एक डॉग और उनकी पपी दी गई है, तो इसमें ये पूछ रहे हैं कि आपको इसमें कोई सिमिलैरिटी दिखती है, इनमें कोई सिमिलैरिटी दिखती है. सिमिलैरिटी मतलब एक जैसा कुछ दिखता है आपको जो इन दोनों में सेम हो. Look at the butterfly and the caterpillar that has come out of the egg. Do you see any similarities? अब यहाँ पे एक बटरफ्लाई और एक कैटरपिलर है जो एक अंडे से निकले हैं. दोनों ही अंडे से निकलते हैं. क्या तुमको इनमें कोई सिमिलैरिटी दिख रही है? क्या तुमको इनमें कोई ऐसी चीज़ दिख रही है जो इन दोनों में सेम हो, कॉमन हो? कैन यू टेल अ हैन लेस एग्स, चिक्स कम आउट ऑफ दोज एग्स. एक जो हैन होती है, जो एक मुर्गी होती है, वो अंडे देती है, ये हम सबको पता है ना? तो उन अंडों में से चिक्स निकलते हैं, जो उनके बच्चे होते हैं उनको चिक्स बोलते हैं. जो किटन्स कम आउट ऑफ एग्स, इसी तरह जो बिल्ली के बच्चे होते हैं, क्या वो भी अंडे से निकलते हैं? तो इनके बारे में अब हम पढ़ेंगे आगे. द ग्रोथ ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स की ग्रोथ कैसे होती है, वो कैसे बड़े होते हैं, वो हम पढ़ेंगे. अ किट एंड अ फुली ग्रोन गोट आर नॉट वेरी डिफरेंट टू लुक एट. अ किट एंड अ फुली ग्रोन गोट आर नॉट वेरी डिफरेंट टू लुक एट. हम एक गोट को देखेंगे, एक गोट को हम देखते हैं जैसे यहाँ पे है, एक गोट है और उनका बच्चा जो होता है, हमें उनमें क्या डिफरेंस दिखता है? कुछ भी नहीं दिखता, ऑलमोस्ट वो दोनों सेम दिखते हैं हमें, है ना? देर इज़ नॉट मच डिफरेंस बिटवीन अ किटन एंड अ एडल्ट कैट. इसी तरह जो एक बिल्ली होती है और उसकी बच्चा होता है, वो भी हमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखाई देता उनमें, वो भी हमको एक तरह से सेम ही दिखते हैं. These babies grow in their mother's tummy and are born from the mother's tummy too. अब ये जो बच्चे हैं, जैसे गोट का बच्चा है या कैट की किटन है उसकी बच्ची है, तो इनमें क्या सिमिलैरिटीज़ है कि ये लोग अपने जो अपनी मम्मा के टमी से बॉर्न होते हैं. जैसे कि हम ह्यूमंस हैं, हम भी तो अपनी मम्मा की टमी से बॉर्न होते हैं ना. हर कोई अपनी मम्मा की टमी से ही बॉर्न होता है, उनके पेट से बॉर्न होता है. तो इसी तरह एनिमल्स में भी जो गोट है जिनकी हम अभी बात कर रहे हैं और जो किटन है, वो भी अपनी मम्मा के टमी से ही निकलते हैं. दीज एनिमल्स डू नॉट ले एग्स, ये एनिमल्स एग्स नहीं देते. कौन से एनिमल्स? जैसे गोट है, कैट है, और एग्जांपल मैं आपको दूँ तो डॉग्स हैं, ये एग्स नहीं देते. बट सम एनिमल्स लाइक क्रोस, स्पाइडर्स, लिजर्ड्स ले एग्स. पर कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जैसे क्रो है, स्पाइडर्स हैं, लिजर्ड्स हैं. लिजर्ड्स क्या होती हैं? छुपकलियाँ, आपने देखी होगी. वो ये जो जानवर है ये अंडे देते हैं. अ चिकन इज बॉर्न फ्रॉम एन एग. जो एक चिकन होती है, चिकन मैंने आपको बताया है, उनको चिक भी बोलते हैं. जो हैन होती है उनका जो बच्चा होता है उन चिकन कहते हैं या चिक कहते हैं. तो जो चिकन है वो एक अंडे से बॉर्न होता है. आपको पता है हैन जो है वो अंडा देती है और उनमें से चिकन बॉर्न होता है. Ants, butterflies, fish, frogs, snakes are all animals that lay eggs. Ants, यानी कि चींटी, butterflies, fish, frogs, snakes, ये सब animals जो हैं अंडे देते हैं. But we do not often see their eggs. पर हम उनके egg नहीं देख पाते हैं ज़्यादा. आपने कभी fish के eggs देखे? नहीं देखे, बहुत कम हमें देखने को मिलते हैं. इसी तरह snakes के egg, फ्रॉग के एग, ये हमें बहुत कम देखने को मिलते हैं, हम इसे ज़्यादा नहीं देख पाते हैं. द एग्स ऑफ सम वेरी स्मॉल एनिमल्स आर वेरी टाइनी. द एग्स ऑफ सम वेरी स्मॉल एनिमल्स आर वेरी टाइनी. अब जो बहुत स्मॉल एनिमल्स होते हैं, जैसे मैं बताऊँगी फ्रॉग है, फ्रॉग छोटा होता है ना. इसी तरह जो स्नेक है, वो भी हमें आसानी से, जो बहुत छोटे एनिमल्स होते हैं, जैसे फिश है, फिश छोटी होती है,
उसकी जो साइज़ है वो छोटा होता है, तो उनके जो एग है वो भी छोटे होते हैं। वी वुड हार्डली नोटिस दैम, इसलिए हम उसे बहुत मुश्किल से देख पाते हैं। सो वी डू नॉट कम टू नो दैट दीज एनिमल्स ले एग्स, इसलिए हमको ये नहीं पता होता कि ये लोग एग्स देते हैं। बट वी नो फॉर श्योर दैट अ हैन लेस एग्स, लेकिन हमें ये ज़रूर पता है कि जो हैन होता है या हैन होती है वो एग्स देती है। हर एग्स आर बिग इनफ टू बी ईजिली सीन, उसके अंडे हम अच्छे से देख सकते हैं, है ना। आपने भी देखे होंगे एग्स हैन के। अ न्यू टर्म हैच, हैच एक नया टर्म है, देखते हैं इसका मतलब क्या है। When a hen sits on her eggs to warm them, she is said to be hatching her eggs. आपने सुना भी होगा कि जो हैन अंडे देती है तो वो उन अंडों के ऊपर बैठ जाती है। वो क्यों बैठती है? ताकि उन अंडों को गर्मी मिले, वार्म मिले। तो उस जब वो बैठती है इस प्रोसेस को, मतलब जब वो बैठती है और अंडे देती है, सॉरी अंडों को गर्म रखती है अपने, तो इस प्रोसेस को हम हैचिंग बोलते हैं कि वो हैचिंग कर रही है। हैन लेस एग्स, जो हैन है वो अंडे देती है। वार्मथ इज़ नेसेसरी फॉर द चिक्स टू ग्रो इनसाइड द एग, जो गर्माहट होती है जिसके लिए वो उस एग्स पर बैठती है वो बहुत ज़रूरी होती है, जो अंडे के अंदर जो उसके बच्चे हैं उनके लिए, क्योंकि कुछ उसके बच्चे हैं वो अंडे के अंदर ग्रो हो रहे होते हैं, बड़े हो रहे होते हैं, इसलिए जो गर्मी है जो हैन उनको देती है वो बहुत ज़रूरी होती है उनके लिए। सो आफ्टर लेइंग देम द हैन सिट्स ऑन द एग्स टू कीप देम वार्म, तो अंडे देने के बाद जब वो अंडे देती है तो उसके बाद वो उन अंडों पे बैठ जाती है ताकि उन अंडों को गर्मी मिले। द चिक्स इनसाइड स्लोली कीप ग्रोइंग, और जो उनके चिक्स हैं वो अंडे के अंदर धीरे धीरे बड़े हो रहे होते हैं। When its growth is complete, the chick breaks the eggshell and comes out. फिर जब वो पूरी तरह से बड़े हो जाते हैं, मतलब पूरी तरह से बड़े होने का मतलब ये नहीं है कि जैसे जो आप हैन देख रहे हैं इस साइज़ के, नहीं, जब जैसे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों का साइज़ क्या होता है, छोटा होता है तो बाहर आ जाते हैं, इसी तरह जब जो चिक्स हैं बड़ी हो जाती हैं तो वो खुद ही अपना अंडा तोड़ के बाहर आ जाती हैं। द हैन लुक्स आफ्टर इट्स चिक्स टिल दे ग्रो अ लिटिल बिगर, फिर जो हैन है वो उनका ध्यान रखती है कि उनका अपने चिक्स का, जब तक वो थोड़े और बड़े ना हो जाए। When a hen is hatching her eggs, she becomes aggressive of fear of their safety. जब कोई मुर्गी अंडे देती है, यानी कि जो हैन है वो एग देती है, तो वो बहुत गुस्से वाली हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसे डर रहता है कि उनके बच्चों को कुछ हो ना जाए। ऑब्वियसली जैसे हमारी मम्मा है, हमको कभी चोट लग जाती है तो वो भी हमें डांटती है ना। क्यों डांटती है? क्योंकि वो हमारी फिक्र करती है। इसी तरह जो हैन है वो भी अपने चिक्स की फिक्र करेंगी क्योंकि वो उनकी मम्मा है, इसलिए बहुत गुस्सा हो जाती है। शी अटैक्स एनी वन हु ट्राइज टू गो नियर द एग्स, और कोई भी अगर उनकी एग्स के पास जाता है तो उन्हें अटैक कर देती है, उनको मारने की कोशिश करती है। यूज ऑफ ब्रेन पावर, वॉट आर द सिमिलैरिटीज बिटवीन द एग एंड चिक, जो एक हैन है और एक चिक है उनमें क्या सिमिलैरिटीज है, मतलब एक जैसा अगर आपको कुछ दिखता है उनमें तो क्या है एक जैसा दिखता है। मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस एक टर्म है, आइए इसका मतलब क्या है वो हम देखते हैं। देयर आर सिमिलैरिटीज बिटवीन अ गोट एंड इट्स किट एंड बिटवीन अ हैन एंड हर चिक, जैसा कि हमने अभी पढ़ा, एक जो गोट है और उसका बच्चा है वो हमें एक जैसा दिखता है, और जो चिकन है और हैन है वो भी हमें एक जैसे दिखते हैं। However, a caterpillar and a butterfly are very different. लेकिन जो caterpillar होता है और एक जो butterfly होती है वो बहुत different होती है। कैसे different होती है वो हम अभी आगे पढ़ेंगे। Thus, in some animals, the young ones grow into an adult animal that looks very different from the young one. क्योंकि जैसे कुछ जानवर होते हैं जो बचपन में जो छोटे होते हैं वो जानवर तो वो अलग दिखते हैं, पर जो बड़े हो जाते हैं वो अलग दिखते हैं। जैसे हम ये देख सकते हैं, सॉरी, ये कैटरपिलर है और ये एक बटरफ्लाई है, तो आप देख सकते हो कि इनमें डिफरेंस है। जब वो छोटा था ये बटरफ्लाई ही है, जब वो छोटा एक जब बटरफ्लाई की छोटी होती है या एग से निकल रही होती है, बहुत छोटी है, एग में होती है, तो उसे हम कैटरपिलर बोलते हैं। फिर जब वो बड़ी हो जाती है तो हम उसे बटरफ्लाई बोलते हैं, ठीक है। तो जब बटरफ्लाई देखो छोटी है, यानी कि जब वो कैटरपिलर है तो वो अलग दिख रही है ना, और जब वो बड़ी हो गई है बटरफ्लाई तो वो अलग अलग दिख रही है, ये दोनों सेम नहीं दिख रहे हैं ना।
तो वही यहाँ बताया गया है कि कुछ एनिमल हैं जो वो छोटे होते हैं वो अलग दिखते हैं, और जब वो बड़े हो जाते हैं फिर वो भी अलग दिखते हैं। दिस चेंज इज फॉर्म इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। इसी चेंज को हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। मेटामॉर्फोसिस इन अ बटरफ्लाई। बटरफ्लाईज ऑफ वेरियस शेप्स एंड ब्यूटिफुल कलर्स आर अ पार्ट ऑफ आवर एनवायरनमेंट। दे लिव देयर लाइफ अमंग प्लांट्स। बटरफ्लाईज हम देखते हैं अलग अलग शेप्स की होती हैं, अलग अलग कलर्स की होती है ना, जो हमारे इन्वायरमेंट में होती है। दे लिव देयर लाइफ अमंग प्लांट। वो प्लांट्स पर अपनी लाइफ जीती है। कैसे, आप देखा होगा कि कभी फ्लावर्स के ऊपर वो उड़ रही होती हैं, है ना, तो फ्लावर्स के ऊपर ही कभी उड़ती हैं, कभी किसी प्लांट के ऊपर, किसी दूसरे प्लांट के ऊपर चली जाती हैं, तो वो उसी प्लांट्स से ही, प्लांट्स में ही अपनी ज़िंदगी बिताती हैं। एज बटरफ्लाइज ग्रो दे पास थ्रू फोर स्टेजेस। अब जब बटरफ्लाई छोटी होती है और जब वो बड़ी होती है, तो छोटा सा बड़ा होने के बीच में फोर स्टेजेस होती हैं। कौन सी? दीज आर एग, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट। वो कौन सी होती है? एग, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट। एग मतलब बहुत छोटा, तो नेक्स्ट स्टेज है जब वो थोड़ा बड़ा होता है तो वो लार्वा बोलते हैं उसे, फिर जब वो और बड़ा हो जाता है तो प्यूपा, और फाइनली जब वो एक बटरफ्लाई बन जाती है तो उसे हम बोलते हैं एडल्ट। एडल्ट स्टेज इज कॉल्ड बटरफ्लाई। जो एडल्ट स्टेज होती है उसे हम बटरफ्लाई बोलते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। अ प्लेन टाइगर बटरफ्लाई इज अ वेरी कॉमन वन। अ प्लेन टाइगर बटरफ्लाई, टाइगर बटरफ्लाई कौन सी है? जैसे हम इसमें देख सकते हैं, ये है टाइगर बटरफ्लाई। क्यों हम इसे टाइगर बटरफ्लाई बोलते हैं? क्योंकि आप देख सकते हैं जैसे टाइगर का स्किन होती है ब्राउन और ब्लैक होती है, तो इस बटरफ्लाई की भी ब्राउन और ब्लैक ही है, तो इसे हम बटरफ्लाई, टाइगर बटरफ्लाई बोलते हैं। इट्स वेरी कॉमन वन, ये हम सब ने देखी होगी घर के पास, है ना। लेट अस टेक इट्स एग्जाम्पल एंड सी हाउ द ग्रोथ ऑफ अ बटरफ्लाई टेक्स प्लेस। वो हम समझे कि एक एग्जाम्पल के जरिए कि बटरफ्लाई कैसे बड़ी होती है, कैसे उनकी ग्रोथ होती है। द फीमेल प्लेन टाइगर बटरफ्लाई लेज ऑन एग ऑन द मिल्क वीड रूई लीफ। अ फीमेल प्लेन टाइगर बटरफ्लाई लेज एन एग ऑन द मिल्क वीड रूई लीफ। जो एक बटरफ्लाई होती है वो जब किसी दूसरी बटरफ्लाई को बॉर्न करती है, एग देती है, तो किस पे देती है? एक मिल्क वीड पे, मिल्क वीड लीफ यानी कि रुई। रुई हमको पता है क्या है, एक लीफ उसकी, उस पर उस एग को रखती है, वही उसी लीफ पर उन अपने वो एग को जन्म देती है। इफ सिक्स टू एट इन सिक्स टू एट डेज द लार्वा इमर्जेस फ्रॉम द एग। फिर 6 से 8 दिनों में जो लार्वा है वो इमर्ज हो जाता है, एग से निकलने की कोशिश करता है। द लार्वा ऑफ बटरफ्लाई इज कॉल्ड कैटरपिलर। और उसी लार्वा को हम कहते हैं कैटरपिलर। आप देख सकते हैं, यह मैंने आपको फोटो दिखाई थी। व्हेन अ कैटरपिलर कम्स आउट ऑफ द एग इट इज़ वेरी हंग्री। जब एक कैटरपिलर एक अपने अंडे से बाहर आता है तो उसे बहुत भूखा होता है, उसे भूख लग रही होती है। इट बिगिंस टू निबल एंड ईट वेरी लीफ ऑन विच इट इमर्जेस द एग। और फिर वो उसी पत्ते को निबल करता है, निबल मतलब कुतरना या खाना, जिस जहाँ पे उसकी मीन मैंने अभी हमने पढ़ा है ना कि वो एक पत्ते पर उसको जन्म देती है, तो वो उसी पत्ते को निबल करने लग जाता है। इट ईट्स वेरी फास्ट सो इट ग्रोथ इट्स ग्रोथ इज़ वेरी रैपिड। वो बहुत जल्दी खाता है इसलिए वो बहुत जल्दी बड़ा होने लगता है। अ न्यू टर्म मोल्ट। मोल्ट एक न्यू टर्म है, टू शेड ओल्ड स्किन एंड मेक अ वे फॉर न्यू ग्रोथ। मोल्ट इसका मतलब क्या होता है कि जो अपना जो एक एनिमल है वो अपनी जो स्किन है पुरानी स्किन वो उतार देता है, और जो नई जैसे और फिर वो ग्रोथ जैसे ग्रोथ होती हो रही होती है उसकी, तो वो नई स्किन आती है उस पर, ठीक है। द कैटरपिलर ऑफ अ प्लेन टाइगर बटरफ्लाई ग्रो सो रैपिडली इन द फर्स्ट 2 or 3 डेज दैट इट डज नॉट फिट इन इट्स स्किन एनी मोर। जैसा कि मैंने बताया था आपको, जो कैटरपिलर है वो जल्दी बड़ा होता रहता है, तो इसीलिए जो वो बहुत जल्दी बड़ा होता रहता है तो दो या पहले के जो 2 या 3 दिन हैं उसमें जो उसकी स्किन है वो उसे फिट नहीं आती, बहुत टाइट हो जाती है। क्यों टाइट हो जाती है? क्योंकि वो बहुत बड़ा हो रहा होता है। बट अंडर द ओल्ड स्किन अ न्यू लूज स्किन इज फॉर्म ऑन द ग्रोइंग कैटरपिलर। और जो उसकी ओल्ड स्किन है उसके अंदर उसकी जो न्यू स्किन है वो बन रही होती है। देन द कैटरपिलर शेड्स द ओल्ड स्किन। फिर जो कैटरपिलर है वो अपनी जो पुरानी स्किन है वो उतार देता है, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं मोल्ड्स।
कि वो मोल्ट कर रहा है, ठीक है। अगेन इट बिगिंस टू गॉबल अप विथ लीव एंड कंटिन्यूज टू ग्रो रैपिडली। इस फिर से वो लीव्स के साथ गॉबल करने लगता है और वो बड़ा जल्दी बड़ा होता रहता है। इन टू थ्री डेज इट मोल्ट्स अ सेकेंड टाइम, और फिर से दो या तीन दिन बाद वो फिर से जो अपनी पुरानी स्किन है वो उतार देता है और जो नई स्किन है वो उसके ऊपर आ रही होती है। इन दिस वे इट मोल्ट्स फोर टाइम्स, इसी तरह वो चार बार मोल्ट करता है। इट रिमेन्स इन कैटरपिलर स्टेज फॉर 10 to 12 डेज, वो कैटरपिलर स्टेज में 10 से 12 दिन रहता है। जस्ट बिफोर द लास्ट मोल्ट द कैटरपिलर रीव्स अ बटन ऑफ अ सिल्कन थ्रेड एंड स्टक और लीव एंड हैंग्स I read the sentence again. Just before the last molt, the caterpillar weaves a button of a silken thread on a stalk or a leaf and hangs itself from it. और जो उसका लास्ट मोल्ट होता है, लास्ट मोल्ट मतलब मोल्ट मैंने आपको बताया था उसका मतलब क्या होता है। When it molts, this time it forms a pupa. फिर वो जब मोल्ड करता है लास्ट टाइम तो प्यूपा बन जाता है। इस बार वो प्यूपा हो जाता है जो कि नेक्स्ट स्टेज है ग्रोथ की। द प्यूपा ऑफ बटरफ्लाई इज कॉल्ड द कॉल्स क्रिसलिस, जो बटरफ्लाई का प्यूपा होता है वो क्रिसलिस भी बोला जाता है। इट रिमेन्स इनसाइड द क्रिसलिस फॉर द नेक्स्ट 11 or 12 डेज, फिर वो 11 से 12 दिन क्रिसलिस की स्टेज में रहता है। इट डज नॉट ईट एनी थिंग ड्यूरिंग दिस स्टेज, वो इस स्टेज में कुछ भी नहीं खाता। आप देख सकते हैं क्रिसलिस में वो कैसे रहता है ऐसे। However, inside the chrysalis, important changes take place in its body. पर जब वो क्रिसलिस स्टेज में रहता है तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चेंजेस आ रहे होते हैं उसकी बॉडी में। द ग्रोथ ऑफ द प्लेन टाइगर गेट्स कम्प्लीटेड इनसाइड द क्रिसलिस। द ग्रोथ ऑफ द प्लेन टाइगर, वो एक प्रिंट बताया गया है कि प्लेन टाइगर प्रिंट होता है जो टाइगर का होता है वो कम्प्लीट हो रहा होता है क्रिसलिस के प्रोसेस में। देन द अडल्ट बटरफ्लाई इमर्जेस फ्रॉम द क्रिसलिस, और फिर क्रिसलिस में से एक एडल्ट बटरफ्लाई निकलता है। एडल्ट बटरफ्लाई कैसा होता है आप सबने देखा होगा, ये रहा एडल्ट बटरफ्लाई, तो वो एडल्ट बटरफ्लाई बन जाता है। इट नाउ हैज़ 4 अट्रैक्टिव विंग्स एंड लॉन्ग लेग्स, और उसके पास विंग्स हो जाते हैं 4 विंग्स और 4 लेग्स, 6 लॉन्ग लेग्स, 6 लेग्स होती हैं बटरफ्लाइज में। ऑल बटरफ्लाइज गो थ्रू दीज स्टेजेस ऑफ ग्रोथ, इसी तरह सारी बटरफ्लाइज हैं वो भी इसी स्टेज होती है उनकी ग्रोथ की। डू यू नो फॉर ईच टाइप ऑफ बटरफ्लाई द टाइप ऑफ प्लांट्स ऑन हूज लीव्स इट्स फीमेल विल ले एग्स इट्स फिक्स्ड। जब भी कोई फीमेल अपना अंडा देती है तो जो जगह है वो फिक्स्ड होती है, वो हमेशा वहीं पर ही अंडा देती है, अंडा मतलब एग ले करती है। द टाइम द लार्वा टेक द इमर्ज फ्रॉम द एग्स इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बटरफ्लाइज, लेकिन जो टाइम होता है वो लार्वा का जो एग से निकल लार्वा, अब मैंने आपको क्या बताया था, द टाइम दैट लार्वा टेक इन टू इमर्ज फ्रॉम द एग्स इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ बटरफ्लाइज, इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बटरफ्लाइज। हर बटरफ्लाई का अपना अलग बॉडी होती है ना, तो टाइम भी अलग होता है जिस टाइम पे वो अंडे से बाहर निकलती है या लार्वा की स्टेज पे, तो वो सब बटरफ्लाइज का टाइम अलग होता है, कोई फिक्स्ड नहीं होता। देयर इज ग्रेट वराइटी इन कैटरपिलर्स, कैटरपिलर्स में बहुत सारी वराइटीज होती है, अलग अलग टाइप्स के होते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटरपिलर्स आर डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट कैटरपिलर्स हैं उनके कलर्स भी डिफरेंट होते हैं। हमेशा ये नहीं कि आपको इसी प्रिंट की बटरफ्लाई दिखेगी, और भी कलर्स की बटरफ्लाई दिखती हैं, जैसे हम यहाँ देख सकते हैं ब्लू है, तो कैसे कलरफुल बटरफ्लाइज हम देख पा रहे हैं। देयर बॉडी इज सो लॉन्ग, उनकी बॉडी बहुत बड़ी होती है। मैनी टाइप्स ऑफ कैटरपिलर्स आर हेयरी, और बहुत जो कैटरपिलर होते हैं वो हेयरी भी होते हैं, यानी कि उनके बाल भी होते हैं। डू यू नो आफ्टर वी क्लीन द ग्रेन डी पाई वी स्टोर इट इन अ बॉक्स, जब हम ग्रेन लेते हैं, ग्रेन क्या होता है जैसे हम आटा पीसते हैं, कुछ भी जो ग्रेन होता है वो हम जब खरीदते हैं तो मैं उसको बॉक्स में रख देते हैं, चाहे वो दाल हो, ग्रेन क्या होता है दाल भी होते हैं उसको दाल बोलते हैं ना,
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दालें बोलूँ तो हम जो घर में दालें हैं वो अपने बॉक्स में रखते हैं, किसी डब्बे में डाल के रखते हैं ना। इवन देन व्हेन वी ओपन द बॉक्स आफ्टर सम डेज वी सी सम इंसेक्ट्स इन इट, और फिर कुछ टाइम बाद जब वो डब्बा खोलते हैं तो हमें उसमें कीड़े दिखते हैं। देयर कैन बी इंसेक्ट्स इन द ग्रेन स्टोर इन प्लेस लाइक वेयर हाउसेज इन द ग्रोसर्स शॉप और इवन इन आवर होम्स, तो जहाँ वो ग्रेन बनते हैं या जहाँ से आते हैं वहाँ पे कीड़े हो सकते हैं या हमारे घर में भी कीड़े हो सकते हैं। नाउ इफ अ फीमेल इंसेक्ट लेस एग्स इन दिस ग्रेन वी कैन नॉट सी देम बिकॉज ऑफ टाइम साइज, अब जो अंडे कहाँ से आते हैं, कोई ले करता है, फीमेल ले करती है एग्स तभी आते हैं, तो हम एग्स क्यों नहीं देख पाते क्योंकि वो बहुत छोटे साइज के होते हैं। द वॉर्म्थ ऑफ एयर दे गेट इन द बॉक्स इन विच द ग्रेन इज स्टोर्ड इनफ फॉर देम टू ग्रो, हम जो डब्बा है वो बंद रखते हैं, जो डब्बा बंद रखने की वजह से डब्बे के अंदर वो गर्मी हो जाती है और उस गर्मी से वो अंडे टूट जाते हैं और इंसेक्ट्स आ जाते हैं। सो देयर ग्रोथ कंटिन्यूज इन साइड बॉक्स, इसी तरह वो बॉक्स के अंदर ही बड़े होते रहते हैं। दे ऑल्सो हैव सेम स्टेटस ऑफ ग्रोथ नेमली एग लार्वा प्यूपा एंड एडल्ट, उन इंसेक्ट्स की भी सेम स्टेज होती है जैसे हमने बटरफ्लाई में पढ़ा था, एग पहले एग होता है फिर लार्वा फिर प्यूपा फिर एडल्ट। When we open the box, we see the insects in the grains at the different stages of growth in which they are. जब हम बॉक्स खोलते हैं तो हमें देखते हैं कोई छोटा कीड़ा है कोई बड़ा कीड़ा है, तो वो उन पर डिपेंड उन कीड़ों पर डिपेंड होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि टाइम सेम जो अंडा टूटता है जिस अंडे से वो बाहर आते हैं वो टाइम सेम नहीं होता, कोई लेट बाहर आता है कोई जल्दी बाहर आ जाता है, इसलिए जो कीड़े हैं वो छोटे बड़े होते हैं, जो पहले टूटा वो बड़ा होगा और फिर जो लास्ट में अंडा टूटा है तो उनमें से छोटे ही निकलेंगे कीड़े। वॉट वी हैव लर्न्ड, इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, वेन हैन सिट्स ऑन हर एग्स टू हैच देम, जो एग है वो अंडे पे बैठती है उसको हैच करने के लिए। अ फुली ग्रोथ चिक ब्रेक्स एग शेल एंड कम्स आउट, फिर जब उस चिक की ग्रोथ हो जाती है वो अंडा तोड़ के बाहर आ जाती है, ये मैंने आपको पढ़ाया था इस चैप्टर में। एग कैटरपिलर क्रिसलिस एंड एडल्ट आर द फोर स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई, एग कैटरपिलर और लार्वा क्रिसलिस यानी कि प्यूपा एंड एडल्ट, ये फोर स्टेजेस है लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई की। द प्लेन टाइगर बटरफ्लाई लेस इट्स एग ऑन द लीव्स ऑफ द मिल्कवीड प्लांट, जो बटरफ्लाई होती है वो उनके अपने एग्स ले करती है मतलब अपने अंडे देती है, कहाँ देती है, मिल्कवीड प्लांट पे। द लार्वा इमर्जेस फ्रॉम द एग, जो लार्वा वो एग से बाहर निकलता है उसे हम बोलते हैं कैटरपिलर। व्हेन द ग्रोथ ऑफ कैटरपिलर इज कंप्लीट इट एंटर्स द प्यूपा स्टेज ड्यूरिंग व्हिच इट लिव्स इनसाइड द क्रिसलिस। व्हेन द ग्रोथ ऑफ द कैटरपिलर इज कंप्लीट, जब कैटरपिलर की जो ग्रोथ है वो पूरी हो जाती है वो प्यूपा की स्टेज में एंटर करता है, ड्यूरिंग व्हिच इट लिव्स इनसाइड द क्रिसलिस, और फिर वो क्रिसलिस में रहता है। Adult butterflies emerges from the chrysalis and has six long legs and four attractive wings. फिर जब butterfly adult stage में आ जाती है chrysalis में से निकलती है तो उसकी जो है six long legs होती हैं और जो four wings होते हैं। Always remember, butterflies are a part of our environment. It is wrong to catch butterflies just for fun and to keep them tied with a string. बटरफ्लाइज हमारा इन्वायरमेंट का पार्ट है, हम उन्हें पकड़ के रखें ये सब गलत है कि अगर उनको पकड़ें या किसी धागे से बांध दें उन्हें परेशान करें, ये बहुत गलत है और हमें ये नहीं करना चाहिए। एक्सरसाइजेस थिंक एंड टेल, इट टेक्स 20 to 22 डेज फॉर अ चिक टू इमर्ज फ्रॉम अ हेन्स एग, 20 से 22 दिन लगते हैं एक चिक को एक चिक को अंडे से बाहर आने में, आपको बताना है क्यों। Would the young ones of other birds also take some number of days of hatch? कि जो दूसरे birds के भी जो अंडे हैं वो भी इतना ही time लेते हैं hatch होने में, ये सब आपको खुद बताना है। You must have seen dragonflies hover over grass. Which stage of their life cycle is the egg, the larva, pupa or adult? आप लोगों ने ड्रैगन फ्लाइज देखे होंगे ग्रास के ऊपर, तो वो कौन सी स्टेज होती है, एग होता है लार्वा प्यूपा या एडल्ट। व्हेन यू टेक अ बंच ऑफ लीफी वेजिटेबल टू सॉर्ट इट यू मे फाइंड होल्स इन डिफरेंट साइजेस इन द लीव्स,
जब आप लीफी वेजिटेबल लोगे तो आपको उसके पत्तों में छेद छेद दिखेंगे। सम लीव्स में हैव बीन निबल एट द एजेस, कुछ लीव्स की जो एज होते हैं उसमें छेद दिखेंगे। तो आपको क्या लगता है कि क्या रीज़न है उसका, क्यों हमें निबल छेद दिखते हैं उसमें? When you shell peas, you sometimes see tiny green living things inside the pod. जब हम पीस लेते हैं यानी कि मटर लेते हैं तो हम उसमें देखते हैं कि कुछ ग्रीन कलर के एक इंसेक्ट्स हमें दिखते हैं जिनके, तो कौन सी स्टेज में होते हैं? फोर स्टेज, कौन सी फोर स्टेज होती है? एग, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट। तो आपको बताना है कि वो जो इंसेक्ट्स है वो कौन सी स्टेज में होते हैं। आंसर इन ब्रीफ, ये क्वेश्चन आंसर है, आपको उनके आंसर देने हैं। What must be hen? Why must the hen sit on her eggs? जो हैन है वो अपने अंडों पर क्यों बैठती है? Why does a hen become aggressive when she is hatching her eggs? जो हैन है वो गुस्से वाली क्यों हो जाती है जब वो हैचिंग कर रही होती है? Which are the four stages of the life cycle of butterflies? Butterflies की जो life cycle है उनकी four stages कौन सी होती है वो आपको बतानी है और explain करनी है। Which changes take place inside the chrysalis for the plain tiger butterfly? जो plain tiger butterfly जो होती है वो क्या, उसमें क्या चेंज आता है जब वो chrysalis वाली स्टेज में होती है? True or false, सही या गलत आपको बताना है। A lamb emerges from an egg, जो lamb होता है वो egg से आता है। lamb क्या होता है? जो goat का जो बच्चा होता है उसे हम lamb बोलते हैं। We cannot easily see the eggs of ant because they are very tiny. एक एंट के अंडे यानी कि जो चीटी के अंडे होते हैं वो हम नहीं देख पाते क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं। When the caterpillar emerges from egg, it is not very hungry. जब एक caterpillar अंडे से बाहर आता है तो भूखा नहीं होता। Fill in the blanks. The female butterfly lays dash on the leaves of plant. जो female butterfly होती है वो ले करती है leaves of plant पे, क्या ले करती है वो आपको बताना है। The larva of butterfly is called dash. Butterfly जो लार्वा होता है बटरफ्लाई का उसे हम क्या बोलते हैं? डैश। ये आपको खुद करना है।